नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कविता नोनिया आज आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं सबसे पहले, और उन सभी विद्यार्थियों को ये मेरा वीडियो जो है ये संबोधित है जिनको लगता है कि संघर्ष जो है केवल उन्हीं के हिस्से में आया है। तो एक बहुत छोटी सी और बहुत प्राचीन कहानी की ओर आप सभी को लेकर के जाना चाहूंगी, जहां पर एक विद्यार्थी रहता है और जिसके माता और पिता का साया जिसके सर पे से उठ चुका था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे अपने जीवन में कुछ कर गुजरना है, और कोई भी व्यवस्था कोई भी सुविधाएं उसके पास में नहीं थी। और वो दिन में काम करता था किसी दुकान पर जाकर के, और रात में मोमबत्तियों के सहारे से पढ़ता था। उसके पास में चार मोमबत्तियां थी और वो चारों मोमबत्तियों की रोशनी अपनी ओर करके और फिर उनसे अपने अध्ययन को अंजाम देता था। एक बार उसे रात्रि में भी किसी कार्य के लिए जाना पड़ा, तो वह बस अपना कार्य करते हुए पढ़ते हुए बस बीच में कि मैं ये कार्य पूर्ण करके वापस लौट आऊंगा, तो वह वहां पर चला गया। मोमबत्तियां जल रही थी, पीछे से आपस में मोमबत्तियां बात करने लगी। एक मोमबत्ती ने कहा कि इस समय इस चारों ओर मुझे कहीं पर भी, मैं शांति का प्रतीक हूं, पहली मोमबत्ती ने कहा, और मुझे कहीं पर भी ना शांति नजर आती है, चारों ओर अशांति फैल गई है, अशांति के तत्व बढ़ गए हैं, तो मुझे बुझ जाना चाहिए। पहली मोमबत्ती ये कह करके बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती कहती है कि मैं विश्वास का प्रतीक हूं और मुझे चारों तरफ अविश्वास ही नजर आता है, और कोई भी विश्वास का पात्र मुझे नजर नहीं आता, तो मुझे भी बुझ जाना चाहिए, मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। तो विश्वास वाली मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती जो प्रेम का प्रतीक थी वो कहती है चारों ओर मुझे जो है वो प्रेम और सौहार्द्र ना के बराबर दिखाई देता है, इसलिए मुझे भी बुझ जाना चाहिए, और वह मोमबत्ती भी ये कह करके बुझ जाती है। तो तीनों मोमबत्ती जो एक शांति की प्रतीक है, एक विश्वास की प्रतीक है, एक प्रेम की प्रतीक थी, सौहार्द्र की प्रतीक थी, वो भी बुझ जाती है। तभी चौथी मोमबत्ती वो जलती रहती है, इतने में वह लड़का लौट कर आ जाता है। वह देखता है कि तीन मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं। उसको लगता है कि अब मैं कैसे अपने कार्य को अंजाम दूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। तभी वह चौथी मोमबत्ती की ओर देखता है, तो चौथी मोमबत्ती की ओर से आवाज आती है कि मैं जल रही हूं क्योंकि मैं आशा की प्रतीक हूं, मैं उम्मीद की प्रतीक हूं, और जब तक आशा और उम्मीद की मोमबत्ती जलती रहती है तब तक उसके साथ जुड़े हुए अन्य सभी विश्वास प्रेम और शांति सब लौट आते हैं। तो हमेशा आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि जब तक आपके जीवन में आशा उम्मीद की एक किरण बाकी हो, तब तक अपने संघर्ष को से लड़ते रहना मत छोड़िएगा। तो अगर आप सभी ने अपने जीवन में आशा की उम्मीद की एक किरण भी हो तो उस मोमबत्ती को कभी मत बुझने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो ये उम्मीद मत छोड़िएगा कि मुझे जेआरएफ लेना है, मुझे नेट की परीक्षा देनी है, या मुझे अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक आप अपने आप को ये सेल्फ मोटिवेशन देते रहेंगे, जब तक आप अपने आप को ये उम्मीद जगाए रखेंगे, तो तब तक आप शांति अपने जीवन में, शांति अपने जीवन में, प्रेम अपने जीवन में, विश्वास वापस पैदा कर सकते हैं। तो एक उम्मीद जो है वो हमेशा बनाए रखिए। ये उम्मीद जो है आपको कहीं से भी मिल सकती है। आप हमेशा एक सीखने के लिए जिज्ञासा जो आपके हृदय में जलती रहेगी, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।